हेलो एवरीवन, वेलकम टू एशियाज किचन। कैसे हैं आप सब? आप सबको मेरी तरफ से ईद मुबारक, बकरा ईद मुबारक। आज मैं आप लोगों के सामने एक नई रेसिपी लाई हूँ, मटन गोभी बकरा ईद स्पेशल। ये अरबिक डिश है एक। चलिए हम बनाना शुरू करते हैं। बनाएंगे मटन गोभी ईद स्पेशल है ये, बहुत टेस्टी और डिलीशियस बनती है। मैंने एक हैंड लिया है, बकरे का एक शोल्डर पीस लिया है, इसको साबित ऐसा मैंने दो पीस में मैंने इसे कट कर लिया है और इसको मैंने इसे कट्स भी लगा लिए। और एक मैंने पुक लिया है, पुक जो बकरे का कमर का हिस्सा होता है वो मैंने लिया है, उसको भी मैंने इसे कट में लगा लिया है। आज हम इसकी मटन गोभी बनाएंगे। चलिए अब हम आगे की तैयारी शुरू करेंगे। मैंने एक नॉन स्टिक पैन लिया है, भगोना लिया है मैंने एक नॉन स्टिक का, और मैं गैस को भी ऑन कर लूँगी। अब मैं इसमें ऐड कर दूँगी 4 टेबलस्पून ऑयल, 4 टेबल स्पून हमारा ऑयल अच्छे से हीट हो जाए, गर्म हो जाए। ये देखिए हमारा ऑयल अच्छे से हीट हो गया है। अब मैं इसमें होल स्पाइसेस हमारे ऐड कर दूँगी, जो मैंने साबित गरम मसाले लिए वो मैं इसमें ऐड कर दूँगी। तो इसको हम थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे। मैं इसमें प्याज ऐड कर दूंगी, मैंने एक छोटी सी प्याज की डली है, इसको रफली चॉप कर लिया है, वो मैं इसमें ऐड कर दूंगी। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। देखिए हमारी प्याज अच्छे से फ्राई हो गई है, हमें ज़्यादा नहीं फ्राई करना है, बस ऐसे ही रहना चाहिए। अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी बिल्कुल 2 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट, ये मैंने 2 टेबलस्पून बिल्कुल रेड चिल्ली पाउडर लिया है, 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर लिया है, 1/2 टीस्पून बिल्कुल हल्दी पाउडर लिया है, और 1/2 टीस्पून मैंने सिनेमोन पाउडर लिया है, 1/2 टीस्पून ब्लैक पेपर लिया है, और 1/2 टीस्पून गरम मसाला पाउडर लिया है, 1/2 टीस्पून इलायची पाउडर लिया है, और मैं यहाँ के 2 टेबलस्पून मटन मसाला लिया है। देखिए हमारा अदरक लहसुन भी अच्छे से कोटिंग हो गया है, अच्छे से फ्राई हो गया है। अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी सॉल्ट, सॉल्ट की टेस्ट, अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी 1/6 टमाटर लिया है मैंने, इसको को चॉप में कट कर लिया है, क्यूब्स के उसमें क्यूब्स कट कर लिया है। अब मैं उसमें ऐड कर दूंगी टमाटर को भी मिक्स कर लेंगे हम। अब मैं इसमें हमारे सारे स्पाइसेस ऐड कर दूंगी, मटन मसाला भी ऐड कर दूंगी, अच्छे से मिक्स कर लेंगे। 1/2 कप पानी ऐड करेंगे ताकि हमारे मसाले जले नहीं, तो इसको मिक्स कर लेंगे। बहुत ज़बरदस्त और बढ़िया की खुशबू आ रही है इसमें। अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी 1 जग पानी ताकि हमारा गोश्त इतने अच्छे से डीप हो जाए, इतना पानी इसमें ऐड कर देंगे, अच्छे से मिक्स कर लेंगे इसको। आप मटन मसाला की जगह मटन क्यूब्स भी आते हैं, जैसा चिकन स्टॉक जैसा होता है वैसा मटन स्टॉक भी होता है, आप वो भी इसमें ऐड कर सकते हैं अगर है तो आपके पास, इससे टेस्ट बहुत ज़बरदस्त आता है। मैंने इसमें बिल्कुल एक क्यूब डाल दिया है, सॉरी मैंने बताना भूल गया आपको, मैंने मटन स्टॉक का एक क्यूब डाल दिया है इसमें। अब मैं इसमें ऐड कर दूँगी हमारे मटन के पीसेस को, तो मैंने हैंड जो लिया है बकरे का, पानी हमें बिल्कुल ये डूबे उसका पानी चाहिए हमें। थोड़ा सा पानी इसमें और ऐड कर दूंगी। तो देखिए मैंने गोश्त को इसमें ऐड कर दिया है, अभी हमारा अच्छे से बॉईल हो जाए ये पानी हमारा, जब तक हम इसको हाई फ्लेम पे रखेंगे लीड बंद करके, फिर हम तकरीबन 1/2 घंटे तक इसको कुक होने देंगे ताकि हमारा गोश्त अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। अब मैं इसका लीड बंद कर दूंगी और हाई फ्लेम पे मैं 10 मिनट पका दूंगी इसको,
फिर उसके बाद मैं इसको आधे घंटे के लिए, पानी अच्छे से बॉईल हो रहा है अब मैं इसको लो मीडियम फ्लेम पे आधा घंटा पका लूँगी ताकि हमारा गोश्त सॉफ्ट हो जाए। देखिए कितना बढ़िया खुशबू भी आ रही है इसमें, ज़बरदस्त का कलर भी दिख रहा है। दूसरा स्टेप शुरू करेंगे, दूसरे स्टेप में हम इसकी टॉपिंग की तैयारी करेंगे। जो गोश्त पे हम उसके ऊपर से डालेंगे, मैंने एक कप चने की दाल लिया है, उसको हमने ऑलरेडी गला लिया है, बिल्कुल ऐसा गला के रख लिया है साइड में। और मैं यहाँ पर थोड़े से बादाम को मैंने भिगो लिया था रात भर, वो ले लिया है, और मैंने थोड़े से किशमिश लिए। यहाँ पर एक फ्राई पैन लिया है, उसको मैंने हाई फ्लेम पे रख लिया है। अब मैं इसमें ऐड कर दूँगी 2 टेबल स्पून ऑयल, इसमें मैं ऐड कर दूंगी 2 टेबल स्पून। ऑयल हमारा अच्छे से हीट हो जाए, हमारा ऑयल अच्छे से गर्म हो गया है। अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी, मैंने एक छोटी सी प्याज की डली ली है, उसको बारीक चॉप कर लिया है, वो मैं इसमें ऐड कर दूंगी। हल्का सा हम इसको फ्राई कर लेंगे। हमारी फ्राई अच्छे से हो गई है, प्याज फ्राई, बस हमें ज़्यादा फ्राई नहीं करना है, बस ऐसे ही चाहिए। अब मैं इसमें ऐड कर दूँगी 1 टेबल स्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट, 10 लहसुन का पेस्ट, हम अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे। देखिए हमारा 10 लहसुन भी अच्छे से फ्राई हो गया, मैं इसमें ऐड कर दूँगी। मैंने एक छोटा सा टमाटर लिया है, उसको भी बारीक चॉप कर लिया था, वो भी मैं इसमें ऐड कर दूँगी। सॉल्ट टू टेस्ट भी ऐड कर दूंगी ताकि हमारे टमाटर अच्छे से सॉफ्ट हो जाए जल्दी, बिल्कुल थोड़ा ही नमक मैं इसमें ऐड कर दूंगी। देखिए मैंने यहाँ पर कुछ स्पाइसेस लिए, मैं 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर लिया है, 1/2 टीस्पून धनिया पाउडर लिया है, 1/2 टीस्पून ब्लैक पेपर लिया है, और मैंने एक मटन स्टॉक लिया है क्यूब छोटा सा, और एक साबित हरी मिर्ची लिए, मैंने इसको कट कर लिया है, बीच में से कट लगा लिए, और मैं एक मीडियम साइज का आलू लिया है, उसको मैंने इसे छोटे छोटे क्यूब में कट करके उसको फ्राई करके रख लिया है। ये देखिए हमारे टमाटर थोड़े हल्के से सॉफ्ट हो गए, अच्छे से कुक हो गए। अब मैं इसमें ऐड कर दूँगी 1 हरी मिर्ची, 3 चिल्ली ऐड कर दूँगी मैं इसमें, और हमारे स्पाइसेस में ऐड कर दूँगी, मसाले भी अच्छे से मिक्स हो गए, फ्राई हो गए। अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी जो हमने बादाम और किशमिश दिया था, वो मैं इसमें ऐड कर दूंगी। इसको भी अच्छे से सॉटे कर लेंगे, मिक्स कर लेंगे। अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी बिल्कुल 1/2 टीस्पून रोज वाटर, इससे क्या है खुशबू अच्छी होती है, ज़बरदस्त होती है इससे खुशबू, वो मैं इसमें ऐड कर दूंगी 1/2 कप 1/2 स्पून। ऐड करूँगी हमारे जो फ्राई करे हुए आलू है, वो मैं इसमें ऐड कर दूँगी, उसको भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे मसालों में। ये जो मैंने बॉईल करके रखी थी हमारी चने की दाल, वो मैं इसमें ऐड कर दूँगी, और हम अच्छे से इसको भी मिक्स कर लेंगे, हल्का हल्का मिक्स करेंगे ताकि हमारी दाल मैश ना हो जाए, बिल्कुल हल्के हल्के हाथों से इसको मिक्स कर लेंगे। ठीक है हमारी दाल कितनी ज़बरदस्त दिख रही है। अब मैं इसमें ऊपर से धनिया पाउडर, धनिया पत्ती भी ऐड कर दूँगी, स्प्रिंकल कर दूँगी थोड़ी सी, कैसे मिक्स कर लेंगे हल्का हल्का। ये देखिए हमारी मटन गोभी की टॉपिंग तैयार हो गई है चने की दाल की, ज़बरदस्त बन रही है। अब हम गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे और उसका लीड बंद करके हम एक साइड में उसको रख देंगे। ठंडा हो गया है हमारा गोश्त, अच्छे से टेंडर हो गया है, देखिए इतना ज़बरदस्त गल गया है, कलर भी ज़बरदस्त आया है। अब हम इसको निकाल लेंगे, डिश आउट कर लेंगे, फिर इसको हम फ्राई करेंगे। हमने गोश्त को अच्छे से निकाल लिया है, अब हम इसको अब बॉइल कर लेंगे ये पानी को, हम इसमें चावल ऐड करेंगे। देखिए मैंने 1/2 किलो चावल लिया था, इसको ऑलरेडी धो के सोख करके रखा था, मैंने बासमती राइस लिया है,
ऑलरेडी 15 मिनट मैंने इसको सोक करके रख दिया था। इसमें मैं थोड़ा जाफरान के शेड भी ऐड कर दूंगी, बिल्कुल हाफ टी स्पून। हमारा पानी जैसे बॉईल हो रहा है, अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी हमारे जो सोक करके रखे थे राइस, वो मैं इसमें ऐड कर दूंगी। पानी में हम चावल को बॉईल कर लेंगे, हमारे चावल को कुक कर लेंगे अच्छे से। ये देखिए हमारे चावल अच्छे से पक रहे हैं। अब मैं इसको लिड बंद करके 15 मिनट स्टीम दे दूंगी। ये हम इसके बाद हम बाद यहाँ पर गोश्त को फ्राई कर देंगे। मैंने यहाँ पर एक और एक फ्राई पैन लिया है, अब मैं इसका गैस को ऑन कर दूंगी। अब हमारा पैन अच्छे से हीट हो गया है, मैं इसमें ऐड कर दूंगी 1 टेबल स्पून बटर। हम बटर में गोश्त को फ्राई कर लेंगे बिल्कुल। ये देखिए हमारा बटर अच्छे से मेल्ट हो गया है, अब मैं इसमें हमारा गोश्त का पीस ऐड कर दूंगी और इसको अच्छे से फ्राई कर लेंगे। एक पीस पहले फ्राई करेंगे, हमारा एक साइड अच्छे से फ्राई हो जाए, फिर हम इसको टर्न करेंगे। अब मैं इसको टर्न कर दूंगी और फिर हम ये साइड से इसको कुक करेंगे। देखिए कितना जबरदस्त बढ़िया सा कलर आ गया है, हम ये साइड से इसको अच्छे से फ्राई कर लेंगे। ये देखिए हमारे दोनों साइड अच्छे से कुक हो गए, अब हम इसको निकाल लेंगे। फिर बाकी के हमारे जो मटन है हम उसको भी फ्राई कर लेंगे। देखिए मैंने और एक चीज इसमें ऐड कर दिया है, कल का ही फ्राई करना है, ज़्यादा फ्राई नहीं करना है। सारे गोश्त फ्राई कर लिए, हम उसको एक साइड में रख देंगे जब तक हमारा चावल गर्म हो रहा है, हम उस पर ऐड कर देंगे। ये देखिए हमारे चावल भी अच्छे से स्टीम हो गए, कुक हो गए। अब हम गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे, अब हम इसको गर्म गर्म सर्व करेंगे। ये देखिए हमारी तैयार हो गई है मटन गोभी, बहुत टेस्टी और ज़बरदस्त बनती है ये, आप ज़रूर ट्राई करिएगा और आपकी ईद में आप ज़रूर इसको बना के खाइएगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। चलो फिर मिलेंगे हम एक नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।